कृष्ण करीम राम हरि आघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेप कुरान पुरातन सहज एक नहीं देखा। अर्थात राम कृष्ण राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद कुरान पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरुदेश चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल फादर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महान कवि, सतगुरु और भगवान की उपाधि रखने वाले गुरु रविदास जी की। दोस्तों, गुरु रविदास की तरह भारत में काफी सारे महान कवियों ने समय समय पर भारत में जन्म लेकर भारत के काव्य को भक्ति और अध्यात्म की ओर आकर्षित किया है। जिनके लिखे दोहे हर एक व्यक्ति के मन में भक्ति और अध्यात्म के गुणों को उत्पन्न कर देते हैं। उन्हीं महान कवियों में से एक जाने माने कवि गुरु रविदास जी भी थे। गुरु रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि थे, जिन्हें संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि दी गई थी, जिनके द्वारा लिखे गए कुछ भजन सिख समाज के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे हुए हैं। गुरु रविदास जी का जन्म काशी के माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1377 को हुआ था। आपको बता दें, संवता एक भारतीय समय गणना का मापदंड है। रविदास जी के पिता का नाम संतोख दास तथा माता का नाम कलंसा देवी था। रविदास जी की पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। आपको बता दें, रविदास जी बचपन से ही सेवा भाव का स्वभाव रखते थे। रविदास जी जीवन यापन के लिए जूते या चप्पल को सिलने का काम किया करते थे। वह अपने सेवा स्वभाव के कारण साधु संतों को मुफ्त में जूते दे दिया करते थे। दिन भर जो काम होता उसे लगन से करते और बचा समय वे भगवान की भक्ति, भजन, दोहे आदि का जाप किया करते थे। रविदास जी की सेवा स्वभाव के कारण माना जाता है कि उनके माता पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जहाँ से निकलकर वे पास ही एक झोपड़ी में रहने लगे और फिर से भगवान का भजन स्मरण करना शुरू कर दिया। रविदास जी के जीवन की बहुत प्रसिद्ध कहानी वैसे तो काफी सारी हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी इस प्रकार है। एक बार रविदास जी के पड़ोस में लोग किसी पर्व पर गंगा स्नान करने जा रहे थे। रविदास जी के एक शिष्य ने रविदास जी से उनके साथ गंगा स्नान के लिए चलने का आह्वान किया, जिसके उत्तर में रविदास जी ने कहा कि मैं जो इस समय कर रहा हूँ, यदि मैं उसे छोड़कर गंगा में स्नान करने के लिए जाऊंगा तो मेरा तन तो गंगा में स्नान कर लेगा, किंतु मेरा मन इस काम की चिंता में घर पर ही रहेगा। अतः यदि मनुष्य का मन सही है तो इसे कठोते के जल में भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस घटना पर रविदास जी ने एक कहावत को जन्म दिया, मन चंगा तो कठोती में गंगा। रविदास जी की अंतिम यात्रा 1528 में वाराणसी दिल्ली सल्तनत में समाप्त हो गई। रविदास जी की कुछ मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। निरंजन देवा दर्शन दीजिए राम, तुम्हारी आस पार गया, तुम चंदन हम पानी, मन की पूजा आदि। दोस्तों, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।